Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear friends? I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss what are exclamatory sentences. What are exclamations, interjections, and exclamatory sentences. Hope this class will help you to improve your English. क्लास आज हम बात करेंगे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस की. ये जो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सॉरी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस शुरू किए थे उसमें है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस. सो लेट गेट स्टार्टेड. एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस क्लास. किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके जो इनर मूड है सेंटेंस का, जो सेंस है, जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, आप उस पर फोकस करें. फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल. सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्लियर? अगर मैं कहता हूँ शी इज नॉट रिसीविंग माई कॉल, द सेम डिक्लेरेटिव में ये नेगेटिव सेंटेंस है. क्लियर? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर आप क्वेश्चन के मूड को देखें, क्वेश्चन के थीम को देखें, तो somebody asks यू दैट व्हाट्स योर नेम, तो ये यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है. लेट सपोज अगर कोई आपको कहता है प्लीज़ टेक अ साइन और मूव अ साइन, सो अगर आप सेंटेंस के मूड को देखें तो यहाँ पे ये हुक्म है, एक रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है. एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस कैसे कहते हैं, तो ये दो सेंटेंसेस those sentences which expresses certain feelings clear class. those ye o sentences hain, they show certain feelings. acha feelings kaise kehte hain class? फीलिंग्स कैन बी और इमोशन, फीलिंग्स और इमोशन हम बोलते हैं. वो सेंटेंसेस जिसके अंदर हम अपनी जो हमारे जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उसको हम एक्सप्रेस करें. लेट सपोज इस तरह है कि ये फीलिंग्स और इमोशन किसके हो सकते हैं. फीलिंग मे बी फीलिंग ऑफ जॉय, क्लियर, खुशी की अलग अलग जज्बात होते हैं, सौरव गम के अलग जज्बात होते हैं, रिग्रेट पछतावा उसके अलग जज्बात होते हैं, गुस्से के अलग जज्बात होते हैं, क्लियर, सरप्राइज एट्सेट्रा. क्लियर? तो क्लास वंडरफुल हैरानगी. पता है क्लास, लेट सपोज जब आप खुश होते हो तो कोई अगर आपके चेहरे को देखें तो उसको पता चल जाता है द मैन इज़ हैप्पी, कि ये बंदा खुश है, क्योंकि उस दौरान जो आपके मुंह से अल्फाज, जो लफ्ज़ आप निकालते हो, जो शब्द निकालते हो, जो वर्ड्स निकालते हो, वो खुशी के होते हैं. तो इट मींस कि वो सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी खुशी के जज्बात को, फीलिंग्स को, इमोशन को एक्सप्रेस करते हो, दे आर कॉल्ड एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस. बंदा जब किसी को गम की कोई खबर मिलती है, लेट सपोज आप बीमार हो, कोई फौजगी हो जाती है, आपसे कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो उस दौरान जो आप बात करते हो, दे शो योर सैडनेस और सॉरो. क्लियर? जब आप लेट सपोज आपने कोई मैच जीता, आपने कोई इनाम हासिल किया, कोई पसंदीदा चीज़ आपको मिला, तो वो आपके सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं. क्लियर? लेट सपोज आप गुस्सा है, आप यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपके जो हाइपर है, आपकी ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, उस दौरान आप जब बंदे से, किसी से बात करते हो, तो जो आपका अंदाज है, दे शो एंगर, दे एक्सप्रेस एंगर. क्लियर? या लेट सपोज आपने कोई काम ऐसा किया है लास्ट में, जब जहाँ भी, तो वो आपके जो आप पछता रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है, तो वो अल्फाज आपके जो पछतावे की कैफियत को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस. ऐसे वर्ड्स ग्रामेटिकली, ग्रामर में जो वर्ड्स को हमने डिवाइड किया है, ऐसे अल्फाज जो ये फीलिंग शो करे, सिर्फ पूरा सेंटेंस नहीं अल्फाज, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस, और इसको एक्सक्लेमेशंस भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेशंस.
फॉर एग्जांपल गम के मौके पर आप कहते अलास, खुशी के मौके पर आप कहते वाओ, क्लियर। आप जब खफा होते हो हम कहते ओह, क्लियर। हाउ एक्साइटमेंट, व्हाट अ डे, तो इसको एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं। अच्छा, इन सेंटेंसेस की पहचान आप किस तरह करेंगे? तो द फर्स्ट वन ये है, दे एंड इन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे क्या होते हैं क्लास, एंड होते हैं ये, इसको इन्वर्टेड आई भी कहा जाता है, इन्वर्टेड आई। अगर आप आई देखें तो आई इस तरह होता है कि एक लकीर उसके ऊपर डॉट, इसको अगर आप उल्टा करेंगे डॉट को आप नीचे लेके आएंगे, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड मीन उल्टा, तो इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को इन्वर्टेड आई भी कहा जाता है। क्लियर क्लास? अच्छा, तो सबसे जो फर्स्ट साइन है ऐसे सेंटेंसेस को पहचानने का वो क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, एंड द सेकंड इसमें क्या है, द सेम, दे शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, दे शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। क्लियर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इमोशन किसके, खुशी के, गम के, हैरानगी के, पछतावे के, गुस्से के। क्लियर क्लास? एंड तीसरी बात ये जहन में याद रखें, दे आर ऑलवेज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस जो है ये हमेशा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, मीन दे हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड दे हैव देयर ओन प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट भी होता है प्रेडिकेट भी होता है, कंप्लीट। लेट सपोज मैं अगर मैं बोलता हूँ व्हाट अ नाइस डे, व्हाट व्हाट अ नाइस डे, तो ये मेरा सेंटेंस नहीं है बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो वर्ब कॉम्बिनेशन, ये तो एक्सप्रेशन है, इसको आप एक्सक्लेमेशन तो बोल सकते हैं। हम हाउ एक्साइटमेंट, What a beautiful day, what a beautiful day. So this is not a complete sentence. इसको exclamation हम बोल सकते हैं लेकिन इसको हम exclamatory sentences नहीं कहते। तीन बातें याद रखें, हमेशा inverted comma पे होते हैं, sorry inverted comma नहीं, inverted I, sign of exclamation. Second, they show strong feelings and they always a complete sentence. They have their own subject and predicate. अभी हम इसको कुछ examples पे नज़र डालते हैं तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है शायद कि वो क्लियर हो जाए। क्लास डिपेंड करता है, कोई भी सेंटेंस आप ले डिपेंड करता है उसके एंड पॉइंट पे, पंक्चुएशन पॉइंट पे, पंक्चुएशन पॉइंट डिफाइन करेगा वेदर दिस सेंटेंस फॉल्स इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस और exclamatory sentence. For example, मैं कहता हूं she qualified, she qualified the round. इसको मैं end करता हूं full stop पे, इसी sentence को मैं दोबारा लिखता हूं she qualified the round, इसको मैं इन करता हूं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, she qualified the round, the first sentence, एक ही सेंटेंस है लेकिन इसको जब मैंने एंड किया पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप पे या पीरियड पे डॉट पे तो ये बन गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, में अफर्मेटिव सेंटेंस बना डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये यहाँ पे क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, आपको इतला दी जा रही है शी क्वालिफाइड द राउंड। क्लियर, नो फीलिंग्स, नो सर्टन इमोशंस, नथिंग। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मैं एंड करता हूँ, मैं ख़त्म करता हूँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे तो ये अब बना क्या, एक खुशी के बाद शी क्वालिफाइड द राउंड, she qualified the round, you are happy now. Clear? आप let's suppose बच्ची हैं आपकी, कोई student है, sister है आपकी, उसने कोई round था, कोई जो भी था, उसने qualify कर लिया, she qualified the round.
आपके जो फैशियल एक्सप्रेशन है, जो फैशियल मसल्स हैं, उस पे भी असरात जो है खुशी के हैं कि शी डिड समथिंग एंड व्हाट शी डिड व्हाट क्वालिफाइड. तो ये क्लास, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. हु क्वालिफाइड अराउंड शी, शी मे बी अ पर्सन क्लियर. हु इज शी, शी इज अ नेम. फॉर एग्जाम्पल शी इज शबनम, शबनम क्वालिफाइड अराउंड. सो ये सब्जेक्ट, शी डिड व्हाट, what what is the action performed by she, usne kya kya, qualified, qualified, ye aapka hua verb and this is your simple predicate. ye kya aapka hua predicate, aur ye predicate mein kaun sa qism hai, simple. is pe already hamari classes maujood hain, agar aapne nahi dekhi to aap dekhi. to yahan tak ye aapka complete sentence hai, she qualified, aur aage jo hai ye complete sentence, complete predicate bana. She qualified the round. तो ये इसके साथ other words है जो आपके verb को support करते हैं. She qualified what the round. So the object clear. यहाँ पे आपने full sorry exclamation point लगाया. तो ये आपका बना क्या, exclamatory sentences. अच्छा, इस किस्म के बहुत सारे sentences के अभी थोड़े example लेते हैं. Class for example, I won the match. Sign if I won the match, clear? I won the match. So अगर आपने end point पे आपने देखा कि sign of exclamation है और sentence का जो theme है, जो subject है, जो main essence है, वो क्या express करता है, एक खुशी. Won, I won the match. For example, she lost her purse. She lost her purse. उसका जो पर्स था वो गुम हो गया. गम की बात, एक परेशानी की बात है. तो ये पूरा सेंटेंस जो है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, बिकॉज दिस सेंटेंस शोज सम फीलिंग्स ऑफ व्हाट ऑफ सॉरो. मैं कहता हूँ अली हर्ट हिज फुट. अली ने अपना पाँव जो है उस जख्म, अली हर्ट हिज फुट. So this sentence shows the feeling of sorrow. Clear? Or for example, surprise. And get it? I can't believe it. I can't believe it. कोई ऐसा काम हुआ, आप कहते हैं यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा. I can't believe it. मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ. Complete sentence है, तो इसको हम क्या बोलते हैं क्लास, exclamatory sentence. इसके साथ अब जो exclamations है, जो words है, oh, alas, hurrah, wow, clear? लेकिन ये अगर आप देखें alas, hurrah, तो ये हमारे जो जिस माशरे में हम रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो यहाँ हम ये वर्ड्स यूज नहीं, तो अंग्रेज़ों के, गोरों के अपने अल्फाज हैं. हम हमारे पे यहाँ अपने बॉन्ड, हम कहते हैं या खुदाया, या अल्लाह, इस किस्म के हम अल्फाज बोलते हैं. तो वो बस खुशी के मौके पे, गम के मौके पे, जो भी अल्फाज आपके मुंह से निकल आते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन. इसमें आप वो भी डाल, ये हम एक वर्ड्स कॉमन, हम कहते हैं वाओ. आप कोई खुशी के मौके पे आप कोई गाड़ी देखते हो, कोई बंदा देखते हो, कोई बिल्डिंग, वाओ व्हाट अ नाइस बिल्डिंग इट इज़, वाओ. इसके बाद भी आपने एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ नाइस मैन ही इज, ओ कितना ज़बरदस्त इंसान है, व्हाट अ नाइस मैन ही इज. क्लियर क्लास? तो इसके साथ एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेज में आप एक्सक्लेमेशन भी आप साथ लगा सकते हैं, जो वर्ड्स है, जो इंटरजेक्शन है. क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेज के हवाले से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा. इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, एक्सक्लामेटोरी, एक्सक्लामी स्ट्रेस को देखिए, एक्सक्लामेटोरी. सो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें एंड अस्सलाम वालेकुम.